नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भ्रष्टाचार के सवाल पर जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने कहा, राज्य में अफसरशाही हावी है, मंत्री और विधायक की भी नहीं सुनी जा रही, अफसर ही चला रहे हैं सरकार। इतना ही नहीं, जेएमएम विधायक ने जोर देते हुए कहा, जब करप्शन विधायक और मंत्रियों को भुगतना पड़ रहा है तो आम जनता का क्या होगा। जिस तरह से अभी भी उन लोग देख रहे हैं कि उनके जो दादाजी और उनके जो पिताजी ने झारखंड में आंदोलन किए और आंदोलन करके अलग राज्य किस तरह से बनाए, और उसका जो मकसद था कि हमारे यहाँ के झारखंडियों का और समुचित जाति विशेष, जो हम कहना चाहेंगे दबे कुचले जो लोग हैं जिसका विकास नहीं हो पा रहा है झारखंड में, उन सबों का विकास के लिए ये हमारा जो गुरुजी बाबा ने झारखंड को अलग राज्य बनाए, और इतने 21 साल होने के बाद भी जो कि अभी तक इस राज्य को पिछड़ा राज्य ही कहा जा रहा है, तो 21 साल एक दो दशक है, इतने समय बीतने के बाद भी हमारा झारखंड पिछड़ा ही रह गया है, तो गुरुजी बाबा का सपना भी अधूरा ही रह गया है। और अगर उनके दिवंगत पिता अभी जिंदा होते तो शायद ये विकासशील राज्य में से गिना जाता। यही एक कारण था कि उनकी दोनों बेटी जो दुर्गा सोरेन जी के हैं, तो इसी सपना को साकार करने के लिए आज इस तरह का सामाजिक संगठन बनाए, और ये पार्टी से अलग नहीं है, पार्टी का ही एक अंग है। इसको कहीं ना कहीं इस तरह से अगर देखा जाए कि पार्टी को ही मजबूती मिलेगी। We'll be right back.